22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले देश में कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। ऐसी ही एक कहानी है धनबाद के करमटाण निवासी 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल की, जिन्होंने 30 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर मौन व्रत शुरू किया था। अब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा दिवस पर वह राम सीता राम कहकर अपना मौन व्रत तोड़ेंगी और इसके लिए वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी हैं। भगवान राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल अपना ज्यादातर समय अयोध्या में ही बिताती हैं। ये नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये बराबर अयोध्या जाती रहती है, जाती रहती थी और अभी भी जाती है। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वस हुई उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक राम लला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य मनीष दास और शशि दास अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सरस्वती अग्रवाल का स्वागत करने पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन से वह सीधा स्वामी जी के आश्रम पत्थर मंदिर छोटी चावनी पहुंची। वहां उनके लिए कमरा बनाया गया और वो 4 महीने तक वहीं रहेंगी। आपको बता दें कि मई 1992 में सरस्वती अग्रवाल अयोध्या गई थी। वहां उनकी मुलाकात राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास से हुई थी। उन्हीं की प्रेरणा से मौन उन्होंने धारण किया था, संकल्प लिया था कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी दिन वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगी।